हेलो फैंटियंस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। तो आपको पता है आज मैं आपसे मिलने क्यों आई हूँ? यस, आज मैं आपसे मिलने आई हूँ क्योंकि आज मैं आपको सिखाने आई हूँ एक और नया स्वर। आपने सीखा था स्वर ऊ, स्वर छोटा ऊ, स्वर बड़ा ऊ और स्वर ए, ए। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्वर आ। तो आज देखें हम कि आ की क्या कहानी है। तो शुरू करें। ओके, आओ बच्चों तुम्हें सुनाए आ की कहानी। मुझको सुनाती थी जो मेरी नानी। आ से आम फलों का राजा, कितना मीठा कितना ताजा। आ से आम है कितना ताजा, कितना रसीला कितना ताजा। आ से आलू छोटू और मोटू, आलू होता है छोटा भी और मोटा भी। आ से आलू छोटा हो या मोटा, इससे बनती सब्जी पकोड़े और समोसा। तो आ से आम, आ से आलू, आ से होती है आग, आ से होती है आग। तो आज हम देखेंगे कि अक्षर अ कैसे लिखना है, क्योंकि अक्षर अ कैसा दिखता है, अक्षर आ कैसा दिखता है, वो तो आप पहले से ही जानते हैं, आ को आप पहचानते भी हैं। तो देखें हमें आ कैसे लिखना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको अक्षर आ कैसे लिखना है। सबसे पहले जैसे आपने ऊ बनाया था या आपने जैसे अ बनाया था, आपको बिल्कुल वैसे ही टर्न करके बनाना है ऊ। उसके बाद एक सीटिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन, ये बन गया हमारा ए। और जब हम ए के पीछे एक और लाइन लगा देते हैं स्टैंडिंग, तो ये बन जाता है आ। और इसके ऊपर हमें खींचनी है एक स्लीपिंग लाइन और बन गया हमारा स्वर आ। तो ये था हमारा स्वर आ। आ से आ, आ से आ, आ से आलू। तो आपने देखा आ कैसा होता है, कैसा लिखना होता है हमें। अब हम सीखते हैं कि आपको अपनी नोटबुक्स में आ कैसे लिखना है, ठीक है? तो ये है आपकी एक्टिविटी नोटबुक और ये है आपकी वर्कबुक। तो आज हम सीखते हैं कि हमें इन दोनों में आ कैसा लिखना है, ठीक है? तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं आ लिखने की। आ से आ, आ से आलू।